मौर्य साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था जो प्राचीन भारत में 321 BC से 185 BC तक अस्तित्व में था। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जिन्होंने शासक नंद वंश को उखाड़ फेंका और अपना साम्राज्य स्थापित किया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन दार्शनिक भद्रबाहु के शिष्य थे और कहा जाता है कि उन्होंने जीवन भर जैन धर्म का पालन किया। हालांकि ये सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उसने जैन धर्म को अपने साम्राज्य का आधिकारिक धर्म बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य और उनके उत्तराधिकारियों के तहत मौर्य साम्राज्य का तेजी से विस्तार हुआ। अंततः वर्तमान भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अधिकांश हिस्से को शामिल किया। साम्राज्य अपने कुशल प्रशासन के लिए जाना जाता था, जिसमें एक जटिल नौकरशाही और व्यवस्था और नियंत्रण बनाए रखने के लिए जासूसों की एक प्रणाली थी। सबसे प्रसिद्ध मौर्य सम्राट अशोक थे, जिन्होंने 268 BC से 232 BC तक शासन किया था। अशोक को शुरू में उसकी सैन्य विजय के लिए जाना जाता था, लेकिन बाद में वह एक धर्मनिष्ठ बौद्ध बन गया और उसने हिंसा छोड़ दी। वह अपने आदेशों के लिए प्रसिद्ध है, जो उसके पूरे साम्राज्य में स्तंभों और चट्टानों पर खुदे हुए थे और शांति, सहिष्णुता और नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देते थे। अशोक की मृत्यु के बाद आंतरिक संघर्षों और बाहरी आक्रमणों के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन होने लगा। यह अंततः 4th century CE में गुप्त साम्राज्य द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। आज मौर्य साम्राज्य को राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक उपलब्धियों की विशेषता वाले भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग के रूप में याद किया जाता है। इसकी विरासत को इस अवधि के कई स्मारकों और कलाकृतियों में देखा जा सकता है, जिनमें प्रसिद्ध अशोक स्तंभ भी शामिल हैं।